तो दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेगा। मैं आपको यहाँ पे एक एरर दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये एरर आपके मोबाइल में भी आ रहा है तो क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आज इसको फ्लैश करके बताऊंगा और मीडियाटेक में फ्लैशिंग से जुड़ी कुछ समस्याएं आपको यहाँ पर इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ताकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मली जो मैं इसको फ्लैश नहीं करने वाला, आप देखेंगे इसमें एक फ्लैशिंग में एक एरर आएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो हो सकता है ये एरर आपको आए और इससे आप कैसे बचें, इस वीडियो में आपको मिलेगा इसका सोल्यूशन निकालूंगा। तो यही वीडियो में बताया है, तो इसलिए अच्छे से पूरी तरीके से देखिएगा। अब देखिए, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो एक मुझे एरर आया यहाँ पर, और ये फाइल अब मैंने ले लिया। तो देखिए, ये वही फाइल जो पहले स्कैटर फेल बता रहा था, वहीं यहाँ पर मैंने प्रोसेस कर लिया। अगर आपके पास में इस तरह का एरर आए तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आपका एरर इस तरह से निकल जाए तो इंडिया नंबर 1 मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एसे टेलीकॉम, सो यहाँ पर हम बात करेंगे, आपको सब टाइप करना है एसे टेलीकॉम मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मोबाइल नंबर। अगर आपको मेरे यहाँ पढ़ना है आना है तो इस नंबर पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉल कीजिएगा 1 और 4 बजे के बीच में दिन में। कोशिश रहे अगर आप उस टाइम पे कॉल करते हैं तो आपका कॉल, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपका कॉल पिकअप करें। और आपको जो भी आप पूछना चाहते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, अपनी सीट बुक करना चाहते हैं, सो हम आपकी सीट जरूर बुक करेंगे। अगर आप मेरे यहाँ पढ़ने आना चाहते हैं तो हर महीने की 13 तारीख का मेरा सॉफ्टवेयर का बैच लगता है, जहाँ पे मैं बताता हूँ ऐसे ही बहुत सारे एरर्स, एक एक मोबाइल को फ्लैश करके उसके ड्राइवर कैसे डालना है, FRP कैसे करना है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको विस्तार से बताते हैं। अब देखिए, इसमें मैं इसको हटा रहा हूँ, उसके बाद भी देखिए ये आ जा रहा है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, देखिए मैं जितना भी हटाऊँगा, इसको ओके दबा दिया, ये बार आ रहा है। मैं इसको रीस्टार्ट कर लूँगा तो भी ये आ जाता है। तो चलिए हम इसको करते हैं पूरी तरीके से निकाल, चलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको निकालें। ज़्यादातर दोस्तों मैं बताऊँ, ऐसे एरर कुछ EMMC से भी फॉल्ट होते हैं, पर जनरली मैंने इसको ट्राई किया हुआ, ये EMMC से फॉल्ट नहीं है। इसको हम नॉर्मली फ्लैश करेंगे तो ये एरर चला जाएगा, बट फ्लैशिंग में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको मिलेगा फ्लैशिंग से जुड़े थोड़ा थोड़ा नॉलेज, और बहुत सारा नॉलेज आपको लेना है तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हर महीने का 13 तारीख का बैच है, 12 दिन का क्लासेस है, 6 से 8 घंटे की क्लासेस है नॉन स्टॉप, जिसमें आपको कुछ भी लिखना नहीं है। आप सीखेंगे किस तरीके से सॉफ्टवेयर का काम करें ताकि आपकी दुकान में आप काम करने में सक्षम हो और कॉन्फिडेंस आए। चलिए ठीक है, सो वीडियो को शुरुआत करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी फ्लैश फाइल दिखाता हूँ, और जो मैंने डाउनलोड की हुई है इंटरनेट से, और देखते हैं कि फ्लैश फाइल के साथ क्या क्या हमें मिला है। चलिए, तो चलिए हम पहुँच गए हैं अपनी फ्लैश फाइल में। सो ये देखिए, ये इसकी फ्लैश फाइल है दोस्तों। मैंने इससे पहले एक फ्लैश फाइल डाउनलोड की थी, पर उसमें एक और प्रॉब्लम आ रहा था, उसका बाइनरी एरर। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ नाम से फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उसके साथ में आने वाले एरर्स को वो समझ नहीं पाते हैं, और यही एक फॉल्ट चलता है। मैं अभी फ्लैश फाइल को स्ट्रैक कर रहा हूँ। अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो अपने सेट को डेड नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, दुकानों में लोग बिना ज्ञान के या बिना जानकारी के सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख के फ्लैश करते हैं, सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख के फ्लैश कर रहे हैं, और फ्लैश करने से वो अपने कस्टमर के मोबाइल को डेड कर देते हैं, फिर वही डेड मोबाइल कोई तीसरा चौथा शॉपकीपर बनाता है। तो उनका मोटिवेट, तो ज़्यादातर ऐसे टेक्नीशियंस डीमोटिवेटेड भी हो जाते हैं और सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, किसी भी काम को करने के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इस बात की गहराई को समझिए कि अगर एक बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर भी ट्रेनिंग दी जाती है। सो आप अपनी शॉप को एक कंपनी क्यों नहीं मानते हैं भाई, वो भी पैसा कमाने का एक जरिया है। अगर आप स्किल नहीं होगे तो आप कैसे काम करोगे, और अगर आप ऐसे ही अगर आप ऐसी टुक्केबाजी वाला काम करोगे तो किस तरीके से ये आपका काम चलेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर सही स्किल से सर काम किया जाए तो बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में जो यूट्यूब वीडियो है वो हमें अपडेट करने के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हो क्या रहा है, तो इम्पेशेंट हो जाते हैं और हम कमेंट्स में अलग अलग सवाल पूछने लगते हैं, सर ये क्या वो क्या, और जब आंसर नहीं मिलता है तो हम गुस्से भी हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखी फ्लैश फाइल, तो ये मेरी फ्लैश फाइल MTK की। चलिए मैं इसको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ आपको।
तो ये है मेरी फ्लैश फाइल MTK की। मेरा मॉडल है Q414 और मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो देखिए मुझे सबसे पहले क्या मिलता है। देखा जाए तो यहाँ पर मुझे कोई भी ड्राइवर नहीं मिला है, कोई भी टूल नहीं मिला है, केवल मुझे मिल गई है मेरी फाइल और ये मेरी स्कैटर की फाइल है। अगर आप स्कैटर फाइल की जानकारी नहीं रखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी जानकारी रखने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मुझे मिलती है स्कैटर फाइल, मुझे मिल चुका है मेरा प्री लोडर। यहाँ पर मैं बात करूँ DB की फाइल, जिससे मैं अपने नेटवर्क को रिपेयर कर सकता हूँ। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, किस मोड में कनेक्ट करना है, कौन से ड्राइवर लेना है, सारी चीज़ें हम यहाँ प्रैक्टिकल आपको बताएंगे। अच्छा चलिए चलते हैं अब यहाँ पर, क्योंकि फ्लैश फाइल तो मिल चुकी है। अब मैं एक ओपन करता हूँ एक टूल, ऑलरेडी मैंने एक टूल डाउनलोड करके रखा हुआ, देखिए SP फ्लैश टूल, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इस टूल को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी जो नए तरह के मोबाइल आ रहे हैं, जैसे Xiaomi में SP फ्लैश टूल, जो MediaTek का प्रोसेसर आ रहा है, जिसमें अगर मैं बात करूँ उसमें ऑट फाइल की भी नीड होती है। कहाँ से लाएं वो ऑट फाइल, क्या होती है, बेसिकली स्कैटर के अलावा कौन कौन सी फाइल लगती है, क्या होता है स्कैटर और बेसिकली उसके अंदर क्या फाइलें लिंक होती हैं, स्कैटर का क्या फॉर्मेट होता है, तो सारी चीज़ें आपको वीडियो के थ्रू तो समझाई नहीं जा सकती हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वीडियो में आप सवाल नहीं पूछ सकते। पर अगर यही चीज़ आप सामने बैठे होते तो आप 10 सवाल पूछ कर अपने अंदर का जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर सकते, डाउट कर सकते हैं और सही तरीके से ज्ञान हासिल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक स्कैटर फाइल चढ़ी हुई है जो कि उसकी हो सकती है प्रीवियस हो। मैं इसमें जाता हूं, एक पुरानी स्कैटर फाइल चढ़ाता हूं। सो मैं बैक जाता हूं और जो मेरी फ़ोन का स्कैटर है, जैसे Q414 मैंने यहाँ पे लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नॉर्मल फ्लैशिंग करते हैं, मैंने आपको बताया शुरू के वीडियो में ही कि कुछ अलग तरीके से मैं यहाँ पे फ्लैशिंग बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लैशिंग में एक एरर आ रहा है और इस एरर का किस तरह से मैं सोल्यूशन निकालूंगा तो यही वीडियो में बताया है, तो इसलिए अच्छे से पूरी तरीके से देखिएगा। अब देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो एक मुझे एरर आया यहाँ पर, जिस पर लिखा हुआ है एरर SDL स्कैट इनकरेक्ट फॉर्मेट। तो यहाँ पर बात करेंगे द स्कैटर फाइल हैज़ इनकरेक्ट फॉर्मेट, मतलब यहां पर हिंट ये दी हुई है कि प्लीज सेलेक्ट द लोड और आस्क फॉर हेल्प। मतलब यहां पे बोला है वैलिड लोड, मतलब सही स्कैटर फाइल को सिलेक्ट करो, नहीं मतलब एक दूसरी फाइल को डाउनलोड करो। तो जनरली होता क्या है, ऐसे एरर हम निकाल नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि क्या करें। मैं आपको ऐसे बहुत सारे एरर्स की जानकारी दे सकता हूँ, पर ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में नहीं बता सकता। इसको बताने के लिए सही है एक तरीका ये है कि क्लास में आइए और पूरी तरीके से ज्ञान हासिल कीजिए। मैं समझता हूँ कि जितना ज्ञान मिलेगा उतना कम है, और देखा जाए तो बहुत से टेक्नीशियन जो दुकान में काम कर रहे हैं कई सालों से, उनको तो बिल्कुल भी नहीं है। सो यही एक सबसे बड़ी गलती उनकी है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और जब वो देख रहे हैं कि दूसरा हमारा काम जा रहा है या दूसरों के पास इतना काम आ रहा है, उनका नाम हो रहा है या हमें भी अपने मोबाइल दूसरों को देने पड़ रहे हैं, सो मेरे भाई वो टेक्नीशियन किस नाम के। चलिए बात करते हैं इस एरर को कैसे निकालें। सो दोस्तों, यहाँ पे फाइल दूसरी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मैंने तरीका ढूंढ लिया है। मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। मैं जाऊँगा अपनी स्कैटर फाइल में और स्कैटर फाइल में मुझे कुछ करना है, एडिट करना है मुझे। सो मैं देखिए स्कैटर फाइल में जाता हूँ, बेसिकली इसी एरर को निकाल सकते हैं अगर पूरी तरीके से नॉलेज हो तो। आपको करना है क्या, अगर कभी भी आपको एक ऐसा एरर आए जिसमें वैलिड बता रहा हो, जिसमें स्कैटर फाइल को फेल बता रहा हो, सो आपको करना है क्या है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए सबसे पहले तो उसको वर्ड पैड में खोलना है। तो देखिए मैं इसको यहाँ से लेता हूँ और ओपन करता हूँ, यहाँ से ओपन विट करूँगा और यहाँ से ओपन करूँगा और इसको खोलूँगा मैं वर्ड पैड में। और वर्ड पैड में खुलने के बाद मैं आपको करना है क्या दोस्तों, कि यहाँ पे जो जनरल सेटिंग है इसके ऊपर का जितना भी भाग है आपको ये डिलीट कर देना है, और डिलीट करके बस आप इसको सेव कर दीजिएगा, और सेव करने के बाद में स्कैटर हो जाएगी आपकी तैयार। तो ये इसका एक सबसे बड़ा सलूशन है। ऐसे ही बहुत सारे एरर्स होते हैं, मैं आपको एक फाइल दिखाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक PDF दिखाऊंगा जिसमें मैंने बहुत सारे सलूशन, बहुत सारे एरर्स के डाले हुए हैं। वो PDF मैं हालांकि अपने सिर्फ स्टूडेंट को देता हूं, अगर क्योंकि आपको चाहिए तो क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, वो मैं यूट्यूब में नहीं दे सकता हूं। दोस्तों यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अब मैं फिर से वापस उसमें स्कैटर में जाऊँगा। देखिए मैं वापस चूज़ करता हूँ और वही फाइल जो मैंने पहले ली थी, और मैं फिर से लूँगा, मैंने भी फाइल चेंज नहीं की है जैसे कि मैंने पहले बता चुका है। अब मैंने गया यहाँ पर और यहाँ पर जाके मैं स्कैटर फाइल को देखे, वही स्कैटर फाइल है, वही पाथ है, पाथ भी चेंज किया नहीं है, आप चाहो तो स्किप करके पीछे भी देख सकते हो। और ये फाइल अब मैंने ले ली है, तो देखिए ये वही फाइल जो पहले स्कैटर फेल बता रहा था वहीं यहाँ पे मैंने प्रोसेस कर लिया है। अगर आपके पास में इस तरह का एरर आए तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आपका एरर इस तरह से निकल जाए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना अच्छा वाला, और अगर आपको अच्छा लगे, अपने आपकी मदद जैसे हुई बाकियों की मदद भी करना है तो इसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि यार मुझे अब सीखना चाहिए, नहीं यार अभी बेशर्मी के, अगर मुझे ये शर्म बेशर्म छोड़ के मैं आगे बढ़ूँ लाइफ में
और सीखने किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूँ और सीखने जाऊँ, तो मुझे लगता है कि आपसे अच्छा काम दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। चलिए सो यहाँ पर हम बात करते हैं। अब देखिए मेरी फाइल लोड हो चुकी है, अब मुझे सिर्फ डाउनलोड का बटन दबाना है। सो जनरली मैं यहाँ पर डाउनलोड का बटन दबाता हूँ। बहुत सारी फाइलें हैं, हम यहाँ पर मैंने प्री लोडेड फाइल को अनटिक कर दिया है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है और ये रीज़न मैं इस बार वीडियो ये वाली वीडियो में नहीं बताना चाहता। मैं इसका रीज़न आपको किसी नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। अगर आपको वो रीज़न जानना है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अभी मैं दबाऊँगा डाउनलोड का बटन और अब इसके बाद में मैं अपने ड्राइवर को कनेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट करूँगा और देखूँगा कि मेरे ड्राइवर कनेक्ट हो रहे हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर डिवाइस मैनेजर ओपन कर देता हूँ। सो देखिए मैंने यहाँ पर डिवाइस मैनेजर ओपन कर दिया है। सो आपको साथ में डिवाइस मैनेजर इसलिए ओपन करना है क्योंकि ये आप देखते रहें कि आपके ड्राइवर कनेक्ट हो रहे हैं कि भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जनरली कभी कभार क्या होता है कि दोस्तों ड्राइवर हमें इनवैलिड बताते हैं, एरर्स आते हैं ड्राइवर्स में और हम सोचते हैं कि कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, हम सोचते हैं कि हमारा टूल परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, हमारे आवाज़ तो आ रही है, फ़ोन हमारा कनेक्ट हो रहा है पर टूल हमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी हम इस मोबाइल को फ्लैश करते हैं। तो सबसे पहले फ्लैश करने के लिए मैं इसकी बैटरी निकाल कर एक बार वापस लगा देता हूँ। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप बैटरी नहीं निकाल पा रहे हैं सो मत निकालिए, फ़ोन को नॉर्मली बंद कर दीजिए और अगर वो नॉर्मली बंद नहीं हो रहा है या फिर कोई इशू आ रहा है या कनेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको पीछे का बैक कवर खोल के उसकी बैटरी निकालनी पड़ेगी। तो चलिए मैंने यहाँ पर इसको निकाल दिया है क्योंकि ये मीडिया टेक है, ये किस तरीके से बूट कर सकता है तो उसके बूट करने के अलग अलग तरीके हैं। मेरे हिसाब से इसके चार तरीके बूट करने के। पहला मैं बूट करूँगा उसको बिना कुछ दबाए, दूसरा बूट करूँगा वॉल्यूम डाउन दबा के, तीसरा वॉल्यूम अप, और चौथा मैं करूँगा वॉल्यूम अप एंड डाउन के साथ। और जो नए वाले जो मोबाइल आ रहे हैं जैसे अभी ओप्पो और जो वीवो के फ़ोन आ रहे हैं, हो सकता है कि उसमें आपको टेस्टिंग पॉइंट मिला है और जैसे जनरली होता भी है कुछ ओप्पो के फोन में टेस्टिंग पॉइंट आपको मिल जाता है सीपीयू के पास, आपको वहाँ से उसको सिर्फ ग्राउंड के साथ टच करना होता है जिससे वो प्री लोडर का आपका जो ड्राइवर है वो बना लेता है। तो चलिए अभी हम आ जाते हैं यहाँ पर और हम इसको कनेक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कर दिया है, दोनों विंडो को यहाँ पर स्प्लिट कर दिया है और स्प्लिट करके मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड पर टिक किया हुआ है, मैंने सेम फाइल उठाई हुई है आपके सामने, मैंने यहाँ पर दिखा दी है कि मैंने यहाँ पर ये वाली फाइल उठाई थी और जो पहले क्या था कि वो रीड नहीं हो रही थी और उसमें एक एरर आ रहा था। अभी मैं बात कर रहा हूँ यही फाइल को मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है अब इसी फाइल के साथ, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस फाइल को एडिट किया हुआ है तो क्योंकि कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई ये काम नहीं करेगी, ये एक फेक वीडियो है। तो जो भी है ये सारी उन्हीं लोगों के लिए, हालांकि मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाता और ये वीडियो केवल मेरे उन स्टूडेंट के लिए जो सीखना चाहते हैं, जो सीखने की लालच में इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आगे अपने भविष्य को सुनहरा करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है जो जिनके मन में हमेशा शंका बनी रहती है। तो चलिए कोई बात नहीं है, छोड़िए उनको। सो यहाँ पे हम करते हैं इस मोबाइल को फ्लैश और हमने यहाँ पे क्या किया है, तो इसलिए हम यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि जो भी हमने एडिट किया हुआ है ये एडिटेबल फाइल वर्किंग है कि नहीं है। सो मैंने यहाँ पे डाउनलोड का बटन दबाया हुआ है और अब मैं इस मोबाइल को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। सो देखिए हम यहाँ पर इस मोबाइल को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। सो अभी हम सिर्फ इस मोबाइल में एक केबल को इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। सो देखिए केबल को इंसर्ट कर दिया यहाँ पर और हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई हमारे ड्राइवर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और आप देख रहे हैं कि एक लाल कलर का ड्राइवर ले लिया है और यहाँ पे येलो चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि येलो लाइन चलेगी तो इसका मतलब है कि हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई। तो आप देख रहे हैं कि फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है, फ़ोन मेरा एक डेड मोड में पड़ा हुआ है और यहाँ पे मैं वेट करूँगा इसी फ्लैशिंग के लिए, क्योंकि मैंने इस फाइल को एडिट किया था। आपने देखा कि कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं किया, जो भी मैंने आपको फाइल दिखाई है बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं अगर आपके पास में ऐसा ही एरर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे एरर आते हैं और जैसे 410 अलग अलग एरर आते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ उन एरर में क्या कर सकते हैं, एक एरर तो मैंने आपको समझा दिया, और भी अगर कुछ एरर्स मुझे मिलते हैं या अगर आते हैं मेरे पास तो ऑब्वियस मैं उसका बिल्कुल वीडियो बनाऊँगा, आपको यहाँ पर डायरेक्ट डाल दूंगा। बट दोस्तों ये डायरेक्ट सोल्यूशन है और हम क्या करते हैं जनरली डायरेक्ट सोल्यूशन के ये काम करते हैं। अगर आपको कभी ऐसा एरर आया तो आप बिल्कुल ये निकाल लेंगे, उसमें कोई गारंटी नहीं है, कोई उसमें कोई भी सिंका उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है, आप बिल्कुल ये एरर निकाल लेंगे। बट अगर कोई दूसरा एरर आता है जैसे ब्रूम एरर, डीए डा एरर या बहुत सारे एरर्स अलग अलग आते हैं, तो जैसे ईएमसी से रिलेटेड स्टोरेज का एक एरर आता है, सो वो कैसे निकालें तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो सही तरीके से फ्लैशिंग आपको बनेगी, आप फोन को डेड कभी नहीं करेंगे, ये मेरा 100% आपसे वादा है। और मेरे किसी भी स्टूडेंट जो भी मुझसे पढ़ के गया है, सो उसने शायद ही किसी स्टूडेंट ने अब तक कोई मोबाइल डैड किया होगा सॉफ्टवेयर में।
तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगर मेरे का अगर आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है क्लासेस, तो हर महीने की 13 तारीख के आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि 12 दिन का प्रोग्राम होता है, 6-7 घंटे की रनिंग डेली क्लासेस होती है। कुछ भी कॉपी किताब पेन लेके आने की जरूरत नहीं है, आप आइए यहाँ पर, सारे मोबाइलों को फ्लैश करके, आप उसको ड्राइवर चढ़ा कर, सभी मोबाइलों का FRP निकाल के, उनका नेटवर्क हो गया या बेसबैंड हो गया, EFX क्या, QCN क्या होता है, कंट्री लॉक कैसे निकल, सब आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाया जाएगा। एक ड्राइवर, अगर हम बात करें मेडिकल कैसे चलाना है, UMT कैसे चलाना है, MRT कैसे चलाते हैं, एक एक ऑप्शन मैं आपको इसमें बताऊंगा, और अगर मैं CM2 आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो सारी चीजें यहाँ पे आपको पता चलेंगी। और जो हमारी फीस है वो आपको नीचे इस लिंक के नीचे मिल जाएगी, अगर आप कॉल करेंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। मैं बता दूं कि अगर आप कॉल कर रहे हैं, अगर मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ, तो दोस्तों दिन में सिर्फ 1 और 4 बजे के बीच में कॉल कीजिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग 8 बजे भी रात में, 9 बजे 10 बजे कॉल करते हैं, अलग अलग टाइम पे लोग कॉल करते हैं। तो अगर आपको कॉल करना है, अगर आपको लग रहा है कि मैं मैसेज का आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैसेज लिखिए, अपना नाम पता लिखिए कि सर मैं सॉफ्टवेयर बैच अटेंड करना है, आप तो हम उनको भी रिप्लाई कर देंगे। बट आपको कोशिश ये करना है कि आप दिन में 1 और 4 बजे के बीच में कॉल करें। अभी हमारा जो बैच है वो 13 जून का है, और अभी आपको 13 जून का बैच मिल जाएगा। और दोस्तों जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं, मैं बता दूं कि उनके लिए हमारा बैच हर महीने 28 तारीख को लगता है, जो कि अभी 28 सितंबर का है, उससे पहले जितने भी बैच हमारे फुल हैं। हमारे पास में अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, हमारे पास में इंडिया के एक एक कोने से, अब मद्रास चेन्नई से लेकर हमारे पास जम्मू कश्मीर तक के बच्चे आ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास में साउथ कोरिया के बच्चे आ चुके हैं, दुबई, कतर, हमारे पास में यहाँ पर UK से बंदे आ चुके हैं, हमारे पास में स्पेनिश, अभी स्पेन से बंदा आया था, उसका मैं रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करूँगा, मैंने उसे स्पेनिश में एक वीडियो बनवाया है, जिसमें मैंने बताया है कि अगर ओप्पो में 12 लाख की IC आए तो उसको हटाकर किस तरह से 6 लाख की IC बनाए, तो पूरा उसने डिटेलिंग की है क्लास के सामने, तो उसका वीडियो मैंने बनाया है, सो वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। उसके अलावा हमारे पास में अलग अलग बाहर फ्रांस के भी स्टूडेंट हैं, सो ये वो स्टूडेंट हैं जो बेसिकली इंडियन हैं, या नेपाली हैं, या बांग्लादेशी, या फिर या है, या बेसिकली हैं, इनको हिंदी आती है। सो जो भी अगर स्टूडेंट देख रहा है बाहरी जिसको हिंदी नहीं आती है, हालांकि यहाँ पे क्योंकि हिंदी आना मस्ट है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको लिखना पढ़ना भी नहीं आता ना, तो आपके लिए ही है मेरी क्लासेस, आप आइए बिल्कुल और यहाँ पे क्लास को अटेंड कीजिए, आप देखेंगे कि किसने तरीके से परफेक्ट काम हो जाएगा। यहाँ पे मैं ड्राइवर आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बार चलिए मैं ड्राइवर आपको दिखा देता हूँ। सो देखिए, पोर्ट में डबल टिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं मीडिया टिक के यहाँ पे ड्राइवर आपको दिख रहे हैं। तो चलिए अभी हमारा टूल चल रहा है और इसकी फ्लैशिंग हम कर रहे हैं। सो दोस्तों जैसे कि आपने देखा है कि हमने फाइल को एडिट किया, और एडिट करके कुछ चीज़ों को डिलीट करके वही फाइल से हमने फ्लैश किया, क्योंकि जबकि मैं आप देख रहे थे कि पहली बार जब मैंने फाइल ली थी, सो उस फाइल के साथ कितने एरर आ रहे थे। सो वो एरर में जनरली क्या करते हैं, लड़के लोग दूसरी फाइल को लेते हैं और गलत बाइंडिंग, और फिर उनको फाइल नहीं मिलती है तो गलत बाइंडिंग नंबर की फाइल को चढ़ा देते हैं, और फिर अपने फ़ोन को डैड कर देते हैं, फिर वो चला जाता है EMMC में, फिर EMMC वाला कोई बंदा उसको बना कर दे देता है। सही तरीके से, मैं तो बोलता हूँ कि हमारे पास जो EMC सीखने आते हैं उनको भी सही तरीके से सॉफ्टवेयर नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि वो बाहर से कहीं से सीखे होते हैं, या तो कहीं सीखे ही नहीं होते, जो 8-10 साल से काम कर रहे हैं, जो जल्दी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, जिनको अभी भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिनको हर ड्राइवर का नॉलेज नहीं होता है, फास्टबूट कैसे अपडेट करें, ADB कैसे अपडेट करें, कितने और FTM मोड क्या होता है, FTM मोड क्या होता है, टर फाइल, KDZ फाइल, IPSW, जितनी भी फाइलें हैं उनका क्या नॉलेज है, अगर मेरे पास कॉलकॉम का CPU है तो कौन सी फाइल आ सकती है, अगर एक MSM है कौन सी रॉ प्रोग्राम मैं अटैच करूंगा, या फिर मैं बात करूं जो हमारी OPF फाइल आ रही है, जो अभी नए फ़ोनों में आ रही है ओप्पो के, तो उसको किस तरीके से हम उस पर काम करें, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या फ्लैशिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो इसको आप सही तरीके से एक बार समझ जाएंगे तो भविष्य में यही YouTube आपके लिए अपग्रेड का हेल्प करेगा। पर अगर आपको कुछ आएगा नहीं तो यही YouTube में कन्फ्यूज होते वीडियो देखेंगे, और डायरेक्ट सोल्यूशन से काम नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आज एक मोबाइल बना लेंगे कल क्या करेंगे आप। सो मेरी राय यही है, मत ज्वाइन कीजिए मुझे, किसी और को ज्वाइन कीजिए, पर कहीं ना जाए कहीं जाइए, प्रोफेशनल कोर्स अटेंड कीजिए और अच्छी तरीके से सीखिए, यही मैं आपसे दिल से कहना चाहता हूँ। एक अच्छे टेक्नीशियन बनिए और अपने कस्टमर का मोबाइल बनाइए और अपना नाम कमाइए। तो देखिए हमारा ये कम्प्लीटली फ्लैशिंग हो चुका है, सो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास मोबाइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस मोबाइल को मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, और इस मोबाइल को निकाल के अब मैं इसको बैटरी निकालता हूँ इसकी, और इसकी बैटरी लगा देता हूँ वापस, और इसको हम बूट कराते हैं। जैसे कि दोस्तों फर्स्ट टाइम जो बूटिंग कराते हैं उसमें एक बार ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि कभी भी फ़ोन को बूट होने दीजिए,
भले ही उसमें अगर बैटरी कम है तो इसलिए 50% बैटरी पर ही इसको कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा फ़ोन बूट हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ पर एक चार्जिंग पे भी लगा देता हूँ ताकि इसका बैटरी भी चार्ज होते रहे। सो चलिए ये हमारा फ़ोन बूट हो रहा है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपने इसे कुछ भी सीखा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत कुछ सीखने से क्या होता है कि काम अच्छा होता है, काम अच्छे होते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आगे अपग्रेड हो सकते हैं। क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं होगा तो अपग्रेड किस चीज़ को करोगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ उदाहरण के लिए, अगर मेरे अगर मोबाइल में OS ही नहीं है तो मैं अपग्रेड क्या करूँगा। सो पहले तो नॉलेज रखिए, वही एक OS है उसको अपग्रेड करिए। बिना OS के क्या अपग्रेड करेंगे, सब कुछ कन्फ्यूजन ही होगा लाइफ में। सो आपको नीचे दिए नंबर पे मैं आप कॉल कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं फिर से कह रहा हूँ, वैसे मैं कहता नहीं हूँ लाइक के लिए, पर मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो से थ्रू अगर आपको हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है और बहुत सारी बातें मैंने आपसे कही हैं। आई होप कि आपको बातें मेरी समझ में आई हो और अच्छी लगी हो। अगर आपको बातें अच्छी लगी हैं तो कमेंट कीजिएगा, जो आपके दिल में है आप मुझसे बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। कमेंट्स के थ्रू मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं इस चैनल में ऑनलाइन आ सकूँ, जो भी मेरे यहाँ के स्टूडेंट हैं। और हालांकि मैं अपने दूसरे चैनल ऐसे टेलीकॉम में ऑनलाइन तो नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन जाने के लिए, पर मैं अपने चैनल में ऑनलाइन आऊँगा और जितने भी सोल्यूशन हो सकते हैं मैं दूँगा। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, जो ऑनलाइन सोल्यूशन तो मैंने ही चालू किया। सबसे पहले बात करूँ तो सबसे पहले मैंने ऑनलाइन मैंने ही आना चालू किया था, किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो। खैर बट मैं अभी ऑनलाइन सोल्यूशन के बाद ये समझता कि ऑनलाइन हम सोल्यूशन दे देंगे, आप कर भी लेंगे, पर क्या आपको समझ में आएगा? नहीं। सो लोग कहते हैं जो ऑनलाइन में ये कर देना, ऐसा कर देना, फॉर्मेट कर देना, मुझे नहीं लगता कि लोगों को इतना नॉलेज है। और अगर वो हम बोलते भी है तो एक का मिलता है बाकी का क्या। तो सही तरीके से ट्रेन होना यार, सही जगह से और सही तरीके से ट्रेन हो गए तो उसमें आपको फायदा ये होगा कि किसी से भी सोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे लोगों को भी सोल्यूशन दे सकते हो जो ऑनलाइन सोल्यूशन अभी भी दे रहे हैं। खैर अब देखिएगा यहाँ पे हमारा फ़ोन फर्स्ट टाइम है तो बूट कर रहा है, सो उसको वेट करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे वीडियो कट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कट करने जो भी वीडियो यहाँ पर रनिंग वीडियो चल रहा है, अगर जितना भी टाइम लगता है लगने दीजिए। आप इस वीडियो को चाहे तो स्किप कर सकते हैं और स्किप करके आगे देख सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है यूट्यूब में अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों। मैं तो समझता हूँ कि हर एक लोगों को खुश करने की आदत होनी चाहिए, और बंदा तो वही है जो बुरे लोगों को भी अच्छा बना दे। दोस्तों अपने भी काम, किसी भी काम, अगर कुछ दोस्तों अगर आप कोई सभी काम कर रहे हैं जीवन में तो कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास से आता है, और जो कॉन्फिडेंस है वो आत्मविश्वास से आता है। देखिए मेरा मोबाइल यहाँ पे चालू हो गया है, अब मैं इसको होम स्क्रीन पे लेके आता हूँ। चलिए अब इसको करते हैं नेक्स्ट, सो स्किप। ये 4G मोबाइल है क्योंकि इसमें जीमेल नहीं लगा था, इसलिए ये इसमें FRP नहीं है। और मैं इसमें एक FRP का भी एक कुछ अलग तरीके से वीडियो आपको बताऊंगा, SP टूल से कैसे निकालते हैं, और वो आपको इसी चैनल में मिलेगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है फिर आपसे छूट जाए। सो यहाँ पे हम जाएंगे और देखिए हमारे फ़ोन में ये मांग रहा है, और हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज और उसको यस कर देंगे। अरे तो फिनिश करेंगे, सॉरी इसको हमें करना है नो। चलिए अभी हम आ गए हमारी होम स्क्रीन पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अभी जो पहले वो हमें आ रहा था बार बार, वो आना बंद हो चुका है। और अगर दोस्तों वो फिर से आएगा तो मैं समझता हूँ कि इसमें हम इसकी EMC IC को चेंज करेंगे, क्योंकि वो जनरली EMC IC का फॉल्ट है। हालांकि हम उसमें एक हेल्थ भी चेक कर सकते हैं, उसको बना भी सकते हैं, पर जितना मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि उसको चेंज करने से ही प्रॉब्लम दूर होती है। हालांकि अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, सो अभी ये कस्टमर को दिया जा सकता है और उसके बाद में देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर PCB जो होती है ना, हमारी मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है।
सीरियसली इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं। सही बात, पता नहीं चलता है। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें। तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था। अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो तरकीब बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग, तो वो भी अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे। तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे। तो मैं यहाँ पे गए हुए तो दो तीन स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे। अच्छा देते थे तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। हाँ रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। हाँ सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था। हाँ तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं से बोले कि इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और भेजो मैंने। अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज हमने फिर सुनी कल। कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पे आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute,
Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.